हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निशा स्कूल ब्लॉग्स। आज मैं अपने ट्रैवल ब्लॉग में आपके लिए लेके आई हूँ भरूच के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में। ये एक मंदिर है, ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये देखिए, ये पूरी पार्किंग एरिया है बिल्कुल मंदिर के पास। ज़्यादा दूर नहीं है कि आपको चल के जाना पड़ेगा। ये है एंट्री गेट। इस गेट से अंदर आने के बाद आप पार्किंग करेंगे राइट साइड में, और इसके बाद ये दूसरा गेट है जिसके अंदर हम जाएंगे मंदिर के पास। काफी बड़ा एरिया है, बीच में शिव जी का मंदिर है, और उनके सामने जो छोटा सा मंदिर है वो हनुमान जी के मंदिर है। ये है महादेव मंदिर का मुख्य द्वार। पहले मैं दर्शन करके आ जाती हूँ। और मुख्य द्वार के सामने ये बजरंगबली जी की मंदिर है। इस मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी कोठरी बनी हुई है, और सारे कोठरी में छोटे छोटे से शिवलिंग जी बने हुए हैं। और पूरी एरिया में हर साइड में बैठने के लिए बेंचेस बनाई गई है। बहुत शांत सी जगह है। लोग यहाँ पे आते हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद, कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा एरिया है, और मंदिर का ये दाहिना द्वार है, मतलब राइट साइड वाला द्वार है ये मंदिर का। और बिल्कुल ये मंदिर नर्मदा नदी के किनारे ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पानी पीने वाला टंकी के ऊपर भी एक शिवलिंग सा बना हुआ है। दूर भी आप देख सकते हैं बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है। और ये नदी की ओर जाने के लिए बना हुआ है एक बड़ा सा गेट। तो फिर चलते हैं नदी की ओर। और ये हम आ गए हैं नदी के किनारे। ये है नर्मदा नदी, और यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो हमने बोट वाले से बात कर ली है। तो ये जो बड़े लोग हैं उनके लिए 30 रुपया, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 10 रुपया लेंगे। तो हमें थोड़ा सा घुमा के ले आएंगे। तो चलिए फिर बोटिंग करते हैं।
दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में कुछ अच्छी जानकारियाँ देती रहती हूँ, तो आप इस जगह पे ज़रूर आएँ एक बार। और ये बहुत सुंदर जगह है, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इस जगह पे आए, मंदिर के दर्शन करें और बोटिंग करें और इस जगह की मजा ले सके। तो बोटिंग करके हम आ गए हैं, और बहुत ही मजा आया ब्रिज के नीचे से घूम के आने के लिए। अब दिख रहा है सामने चना गरम, चले उसका भी मजा ले लेते हैं। चनानी दाल, चनानी चटपटी। तो बोटिंग करने के बाद फिर से हम मंदिर की ओर आ गए हैं, और ये है मंदिर का बैक साइड, पीछे की ओर है मंदिर का। और यहाँ पे भी बहुत सारा ऐसे लंबा घर बना हुआ है, जहाँ पे साधु संत लोग आते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम होता है उनका, तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं और उनके खाने पीने का भी सारी व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बहुत सारा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।